हाय फ्रेंड्स, आज हम IELTS की स्पीकिंग एग्जामिनेशन के पार्ट वन के एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी पेड़ और पौधे। तो चलिए वन बाय वन अब हम पॉसिबल क्वेश्चंस और उनके सैम्पल आंसर्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड व्हाई? क्या आप मानते हो कि हमें ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, क्यों? ओ येस, आई फर्मली बिलीव दैट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ट्रीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर प्लांटिंग ट्रीज इज दैट द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। जी हाँ, मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। जो पेड़ है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, गिव अस शेड एंड ग्रीनरी। वो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, हमें छांव देते हैं और हरियाली भी देते हैं। ट्रीज आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स एज वेल। द रीज़न फॉर प्लांटिंग मोर ट्रीज आर एंडलेस। पेड़ पे बहुत सारे पक्षी और पशु भी रहते हैं। ज़्यादा पेड़ उगाने के कारण एंडलेस है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स? क्या आपने कभी कोई पेड़ उगाने के कैंपेन में पार्ट लिया है? येस, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ फ्यू ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स व्हेन आई वॉज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तो मैंने कुछ ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स में हिस्सा लिया था। Some non-government organizations would donate saplings to our school and we were made to plant them in our school and home. कुछ non-government organizations यानी बिन सरकारी संस्था हमें saplings यानी जो पौधे होते हैं उनके पौधे वो डोनेट करते थे और हमें कहा जाता था कि हमें अपने स्कूल और घर में इन पौधों को उगाना चाहिए। In the recent times, I haven't participated in any such campaigns. नज़दीक के समय में मैंने ऐसे कोई कैंपेन में पार्ट नहीं लिया है। अगर आपने लिया है ऐसा कोई पार्ट, मान लो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, या फिर आपको खुद बहुत ही शौक है पौधे उगाने का, पेड़ उगाने का, तो आप यहाँ पे वो वाला आंसर भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर कॉमनली सीन इन योर कंट्री? आपके देश में कॉमनली कौन से पेड़ और पौधे देखे जाते हैं? अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। जो भी पेड़ पौधे आपको आजू बाजू देखते हैं, और आपको उनके नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आप आजू बाजू देख सकते हो उसके बारे में आप यहाँ पे बोल सकते हो। मैंने सैम्पल आंसर रेडी किया है, थोड़ा सा लंबा है, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू गिव अ रेंज ऑफ आंसर्स सो दैट मोस्ट पीपल कैन पिक सम थिंग्स फ्रॉम हियर एंड आंसर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल देश है। एक्सेप्ट फॉर द मेट्रो सिटीज़, मोस्ट पार्ट ऑफ माई कंट्री इज़ ग्रीन। सो मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के ज़्यादातर मेरे देश का जो हिस्सा है वो ग्रीन है, उसमें हरियाली है। सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन माई कंट्री आर बैनियन ट्री, करी ट्री, गुल मोहर ट्री, अशोका ट्री, पीपल ट्री एंड द मेहोगैनी ट्री। सो कुछ सामान्य पेड़ मेरे देश में जो दिखे जाते हैं वो बैनियन ट्री है, करी ट्री है, गुल मोहर, अशोका, पीपल और मेहोगैनी। Lots of fruits bearing trees are planted in farms and homes. बहुत सारे ऐसे पेड़ जिसमें फल आते हैं वो भी घरों में और खेत में उगाए जाते हैं। Some popular plants grown in my country are rose, holy basil, moringa, lemon and bougainvillea. So ये हम plants के बारे में बता रहे हैं कि ये कुछ popular plants हैं, लोकप्रिय plants हैं। आप यहाँ पे change भी कर सकते हो नाम। Such plants are mostly found in every home in my country. ये plants ज़्यादातर सभी घरों में मेरे देश में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू लाइक आर्टिफिशियल प्लांट्स? क्या आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स पसंद है? ड्यूरिंग दीज डेज आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड लोन्स आर वेरी कॉमन। आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स और जो लोन्स होती है प्लास्टिक की, वो बहुत ही सामान्य है, कॉमन है। आई हैव सीन देम इन मैनी प्लेसेस। मैंने इन्हें बहुत सारी जगह पे देखा है। आई नो दैट दे आर आर्टिफिशियल एंड दे डू नॉट हेल्प अवर एनवायरमेंट इन एनी वे। मैं जानता हूँ कि ये आर्टिफिशियल है, कुदरती नहीं है, और हमारे पर्यावरण को ये कोई हेल्प नहीं करते। हावेवर आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सच आर्टिफिशियल प्लांट्स। आई थिंक दे आर रियली ब्यूटिफुल एंड दे एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अवर सराउंडिंग। लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर है और हमारे आजू बाजू की सुंदरता बढ़ाते हैं। दे आर ऑल्सो ईजी टू मेनटेन एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई लाइक देम। उन्हें मेनटेन करना भी आसान है, ये बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, मुझे ये पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
डू यू लाइक टू डू गार्डनिंग, क्या आपको गार्डनिंग करना पसंद है? येस आई लाइक टू डू गार्डनिंग. आप ना भी कह सकते हो, लेकिन याद रखना ना बोल के अटक मत जाना क्यों आपको गार्डनिंग नहीं पसंद. इसका आपको कारण देना है ताकि आपका इंग्लिश में बोलने का फ्लो मेंटेन रहे. वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज माई हॉबी, एक ज़माने में ये मेरी हॉबी थी. आई यूज टू असिस्ट माई डैड एज ही ऑल्सो लाइक्स टू स्पेंड टाइम इन द गार्डन. मैं मेरे डैड को असिस्ट करता था गार्डनिंग में क्योंकि उन्हें भी गार्डन में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. आई एम अ नेचर लवर एंड गार्डनिंग गिव्स मी हैप्पीनेस. मैं कुदरत का प्रेमी हूँ और गार्डनिंग करने से मुझे आनंद मिलता है. इट इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मैनी पीपल. आई फील दैट पीपल शुड डू सम गार्डनिंग रेगुलरली. कुछ लोगों के लिए ये थेरेपी जैसा है. मुझे लगता है कि लोगों को रेगुलरली गार्डनिंग करना चाहिए. अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोज़ के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं. यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है. इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है. आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं. दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं. नंबर है 7433016809. यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाले आइडियाज़ और ये वाले सैम्पल क्वेश्चंस और आंसर्स पसंद आए हैं. इफ़ येस, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय गिविंग मी अ लाइक एंड शेयरिंग माय वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स ऑफ सच वीडियोज़. ऑल द बेस्ट.